नमस्कार, योगायत विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग, इसी संकल्प और विचार के साथ जो है आज का अभ्यास शुरू करेंगे। और आज के अभ्यास में करेंगे हम हेयर फॉल के बारे में। अगर आपको भी कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और अगर नॉर्मली भी बहुत हेयर फॉल होता है, तो ऐसे में आपको जो है कौन से आसन करना चाहिए, कौन से प्राणायाम करना चाहिए, इसके बारे में जो मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, तो जो है मेरे वीडियो से इसके लिए अंत तक जो है बने रहिएगा इसको जानने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके पास जितने भी हेल्थ अपडेट्स हैं वो जो है आपको रेगुलर मिलती रहे। तो पहले शुरू करेंगे, हल्का सा वार्म अप से शुरू करेंगे, वार्म अप के बाद कुछ आसन करेंगे और उसके बाद प्राणायाम, फिर सब आसन में जो है ख़त्म कर देंगे। चले वार्म अप से शुरू करते हैं। दोनों हाथों को आगे लाएंगे, मुट्ठी को बांधेंगे, अंगूठे को अंदर ले जाएंगे इस तरीके से, फिर सीधा खोल लेंगे, वन, पूरा खोलेंगे अच्छी तरीके से, फिर से बंद करेंगे तेजी के साथ, टू थ्री फोर फाइव, मैं पांच बार कर रहा हूँ, आप जो है 20 टाइम्स या 20 बार कर लीजिएगा। फिर हाथ को ऐसे ऊपर करेंगे, दोनों उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इसको थोड़ा फोर्स के साथ मोड़ना, आपको फोर्स क्रिएट करना है इसके बीच में, जिससे कि जितने भी मांसपेशियां हैं, ये जितने भी वेंस और नसें हैं आपके रिस्ट में, वो जो है एक्टिवेट हो सके, उनमें जो है ब्लड फ्लो जो है अच्छी तरीके से हो सके। इसको करने के बाद दोनों अंगूठों को अंदर ले लेंगे, हल्का सा धीरे धीरे हाथों को घुमाएंगे, बहुत तेज़ी के साथ नहीं, टू थ्री फोर फाइव, इसी को अपोजिट करेंगे धीरे धीरे, वन टू थ्री फोर फाइव, वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से, सर्कल करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, मैं पांच बार कर रहा हूँ, आप इसे टेन टेन टाइम्स कर लीजिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे, यानी पांच बार क्या है, आप इसको जो है 10 बार कर लें, दोनों हाथ इधर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को 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 ऊपर, इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है। दोनों हाथ बराबर, सांस लेंगे, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रखेंगे अपने हाथों को, वापस आ जाएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को शोल्डर ब्लेड के बीच में, वन टू, नेक सीधी रहेगी इसमें, मैंने दो बार किया, आपको जो इसको 10-10 बार जो है आपको करना है। अब दोनों हाथों को सामने रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, अपने अंगूठे को देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, अपने अंगूठे को देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसा जो है हम पांच बार करेंगे, मैंने दो बार किया, आपको पांच बार करना है। इसके बाद नेक रोटेशन कर लीजिएगा, सेंटर में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे नेक को लेके, फिर धीरे धीरे जो है वापस आ जाएंगे सेंटर में, फिर से सेंटर में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे, पीछे देखेंगे, वापस आ जाएंगे। इसको आपको 10-10 टाइम्स करना है दोनों तरफ, इसी तरह ऊपर, पीछे की ओर, और सांस छोड़ते हुए नीचे, अपने चिन को अपने चेस्ट की ओर, 10 बार आपको इसको करना है। इसी तरह सांस लेंगे सेंटर में, सांस छोड़ते हुए बैक आएंगे, अपने जो कान को कंधे से लगाने की कोशिश, कंधे को नीचे रखेंगे, कंधे को ऐसे नहीं करेंगे, इस तरीके से रहेंगे कंधे, दूसरी तरफ आएंगे, सांस लेंगे सेंटर में, सांस छोड़ते हुए जो है पीछे, इस तरीके से, इसे भी आपको 10 बार करना है। अब शोल्डर रोटेशन कर लेंगे, पहले राइट साइड से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सांस लेते हुए जाएंगे पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, इसी तरह दूसरे तरीके से पीछे से सांस लेते हुए धीरे धीरे करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। इसको भी जो है आपको 10-10 बार करना है, फिर वापस आ जाना है। चलिए आसनों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैठ जाएंगे वज्रासन में। इसमें क्या, दोनों अंगूठों को पीछे से मिला लीजिएगा इस तरीके से, दोनों अंगूठों को मिला लेंगे, दोनों घुटनों को आगे की ओर मिला लेंगे, एड़ियों को थोड़ा सा वाइड कर लेंगे, जिससे कि आपका हिप जो है एड़ियों पर आप प्लेस कर सकें, आराम से हिप को एड़ियों पर रख लेंगे,
इसी पोजीशन में जो आपको 2 मिनट तक बैठे रहना है, रोज बैठना है 2 मिनट तक। अगर दर्द होता है आपके आपको इसमें, तो आप यहाँ पे तकिया या ब्लॉक या कुछ ऐसा रख सकते हैं जिससे कि आपकी हाइट उठ जाए और आप इस पोजीशन में अच्छे से जो है बैठे रह सके, फिर से वापस आ जाए, फिर वापस आ जाए। सांस लेने इसी तरीके से ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए जितना उठा सकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए कमर से झुकना है आपको। इसमें जो झुकेंगे वो कमर से झुकेंगे, एकदम से नहीं झुकेंगे बैक को करते हुए। सांस लेंगे, कमर से झुकेंगे यहाँ से, जिससे बैक पे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं पड़े। दोनों हाथों को आगे की ओर लेंगे, अपने सर को जो है ज़मीन पर मैट पर रख देंगे, हाथों को छोड़ देंगे। इसी पोजीशन में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहेंगे। आपकी सांसों की जो इसमें प्रोसेस है वो जो है नॉर्मल रहेगी, बहुत तेज़ी से सांसें लेंगे नहीं और बहुत तेज़ी से सांसों को छोड़ेंगे नहीं, वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को मैट पर रखेंगे इस तरीके से, धीरे से पर्वत आसन में आएंगे, दोनों पंजों को पीछे मैट पर रख लेंगे अच्छे से इस तरीके से, दोनों हाथों को आगे रखेंगे, पंजों को अच्छे से फैला के रखेंगे, अपने पंजे को मैट पर रखेंगे अच्छे से फैला के, सर को पीछे की ओर पुश करेंगे, पैर को पीछे की ओर पुश करेंगे। अगर आप शुरुआत में कर रहे तो थोड़े से पांव को मूव कर लीजिए, जिससे कि आपकी थोड़ी वार्म अप हो जाए और आपके जो मसल्स में और लेग रीजन में जो है ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाए, उसको आप जो है सही तरीके से महसूस कर सकें। और उसके बाद इसी पोजीशन में हम रहेंगे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आराम से। हर एक आसन को जो आपको 3 राउंड करना है, 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसमें रहना है। हाथ के पंजे पूरी तरीके से खुले हुए होंगे, अपने एंकल को जो आपके पीछे मैट से लगी हुई होगी, सर जो नीचे हुई होगी, पीछे बैक को अच्छी तरीके से सीधा रखेंगे, शोल्डर को पुश करेंगे अपने कानों की तरफ ऊपर की ओर और फिर नीचे। नाभि को देखना है आपको, 1 2, नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से आप रख सकते हैं। 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे। अब धीरे से एक पांव को आगे लेके आएंगे, फिर दूसरे पांव को आगे लेके आएंगे, दोनों हाथ को आराम से नीचे रख लेंगे, जहाँ तक ले जा पा रहे वहाँ तक ले जाइए। अगर आपके हाथ नीचे नहीं जा रही, हल्का सा घुटना मोड़ सकते हैं, घुटने को मोड़ने के बाद नहीं अगर हाथ लगा पा रहे, आराम से अपने काफ को पकड़ लीजिए। इसी पोजिशन में रहेंगे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको रहना है, फिर जो है इसमें जो है वापस आ जाना है। सांसें लेनी है, सांसों को छोड़ना है। इससे जो है जितना ब्लड फ्लो है वो आपके हेड रीजन में होगा, कितनी बार ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है जिसके वजह से दिक्कत होती है। तो हमारा जो ब्लड फ्लो पर्पस है, घुटना सीधा करके हार्ट टच नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, आप घुटना मोड़ सकते हैं, घुटने को मोड़ के जो है आप इस तरीके से रख सकते हो। इसमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है और इसको जो तीन बार जो है इसको करना है, और उसके बाद जो है फिर वापस आ जाना है। तो फिर जो है अब अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, मैट पे लेट जाएंगे अच्छे से, इस तरीके से मैट पे लेट जाइए, दोनों पाँव को मोड़ेंगे आराम से, ऐसे पकड़ेंगे, हग करेंगे पाँव को सामने की ओर, और कोशिश करेंगे कि आपका जो सर है वो आपके घुटनों में चले जाए। ये पंजे को जो आगे की ओर ऐसे दबा के रखेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे, आराम से सांसें लेंगे। पवन मुक्तासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस पोजीशन में जो है आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रहना है और इसको जो आपको 3 बार जो है करना है, फिर जो है वापस आ जाना है इसको करने के बाद। अब बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पांव को सीधा कर लेंगे, पहले अपने दोनों हाथों को जो हिप के बगल में प्लेस कर देंगे, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे पाँव को, और सांस छोड़ते हुए जो है पाँव को पीछे लेके जाना है आपको। दोनों हाथों को इसी तरीके से रखे रहेंगे, अब कमर पे हाथ लेते आएंगे, दोनों हाथों को आप कमर पे ला सकते हैं,
कमर पे हाथ रख लीजिए इस तरीके से, उसके धीरे धीरे दोनों पाँव को ऊपर उठा दीजिए। कमर पे हाथ रखे रहेंगे, दोनों पाँव को ऊपर, घुटने सीधे, पंजे ऊपर, और आपकी जो दृष्टि रहेगी वो अंगूठों को आपको देखना है। हल्का सा आप पैर को बाहर की ओर निकाल सकते हैं इस ओर, जिससे बॉडी स्ट्रेट लाइन में आ जाए। इसी पोजीशन में रहना है आपको। इसी पोजीशन में आपको 30 सांसों तक रहना है आराम से, फिर धीरे धीरे वापस आना है, पाँव को रखना है, फिर धीरे धीरे अपने वापस आए इस आसन में, वापस आए, सर टिकी रहे, वापस आ जाए। बाई करवट ले लें, सीधा हो जाए। इसको भी जो है आपको तीन बार करना है, तीन राउंड। एक राउंड में कोशिश करना है 30 सेकंड से एक मिनट तक रुके, लेकिन अगर आप लंबा नहीं रुक पा रहे हैं तो आप 5 सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं, 5 सांसों से भी शुरू कर सकते हैं। 5 सांसें ले एक बार एक आसन में, 5 से 10 सांसें जब आप शुरुआत कर रहे हैं, और उसको 3 बार करें। धीरे धीरे जब रोज़ाना रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आसनों का जो टाइम है उसको जो है धीरे धीरे जो है बढ़ाते जाएँ, और जो है फिर से वापस आ जाएँ। अब और एक आसन करेंगे, इसमें जो है भूमि पद्मस्तक आसन करेंगे। यह है थोड़ा थोड़ा जो है अधोमुख स्वासन जैसा है, और जो शीर्षासन से पहले किया जाने वाला आसन है, जिससे कि आप जब शीर्षासन में जाएं तो आसानी से जा पाएं और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरीके से एक हाथ रखेंगे, दोनों हाथ रखेंगे, दोनों हाथों के दोनों एल्बो के बीच में जो कंधे जितनी दूरी रहेगी। अब सर को जो है धीरे से मैट पर लगा लेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे 30 सेकंड से लेके आपको इसमें जो है एक मिनट तक रहना है। कोशिश करेंगे एड़ी आपकी ज़मीन पे टच हो जाए, नहीं टच हो रही तो कोई बात नहीं, फिर भी इसी पोजीशन में बने रहेंगे 30 सेकंड से लेके एक मिनट तक, फिर जो है धीरे से जो है वापस आपको आ जाना है। इसके बाद जो है हम शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन अगर आपसे हो पा रहा है तो ठीक है, और नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और शुरुआत में कर रहे हैं तो आप जो है दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शीर्षासन जो है कोशिश करें कि अपने अंतिम आसनों में रखें, क्योंकि आपकी मांसपेशियां अच्छी तरीके से जो वार्म अप हो, क्योंकि जब आप जाएं उसमें तो किसी तरह की इंजुरी आपको नहीं हो, ना सर पे हो, ना कंधों में हो, किसी तरह की कहीं पे इंजुरी के चांसेस नहीं रहे। तो योग सेशन से पहले जो वार्म अप ज़रूर कर लें, अच्छे तरीके से कर लें कि बॉडी पूरी तरीके से मांसपेशियां खुल जाए। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों हाथों में जो है आपको कंधों के बीच में जो है दोनों हाथों के बीच में कंधे जितनी दूरी रखनी है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। अब अपने सर को जो है वो दोनों जो है हथेलियों के बीच में ऐसे रख लेना है सर को, दोनों पाँव को धीरे से ऐसे उठाना है, पास लाना है दोनों पाँव को, फिर जो एक पाँव को आपको मोड़ना है, दूसरे पाँव को मोड़ना है। इस पोजीशन में आ जाएंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे, बैलेंस बनाएंगे, देखते कि बैलेंस बनना है कि नहीं। अगर बैलेंस बन रहा है तो धीरे से दोनों पाँव को इस तरीके से ऊपर उठा देंगे, इसी पोजीशन में आपको रहना है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। जितनी देर आप रह सकते हैं कंफर्टेबल उतना देर रहिए, फिर धीरे से जो है आप पहले दोनों पाँव को मोड़ेंगे, फिर एक पाँव को मोड़ेंगे, धीरे धीरे पाँव को नीचे रख लेंगे, फिर एक पाँव को, फिर एक पाँव को, फिर जो चाइल्ड पोज में रहेंगे। आराम से 5 से 10 सांस लेंगे इस पोज में, जो आराम करेंगे, फिर जो है वापस आना। अब जो है
एक और करेंगे साशांग आसन, उसमें जो अपने सर को इस तरीके से रख लेंगे और अपने जो है पैर को जो है हाथ को वो पंजों के ऊपर, आप पकड़ सकते तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, सर को इस तरीके से रखना है और बस। इसमें भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है, फिर जो है वापस आ जाना है। इसमें सर जो आगे की तरफ झुक रहा है तो इसको करने के बाद जो सर को जो पीछे की भी तरफ आप रख सकते हैं, जिससे कि जो आगे टेंशन क्रिएट होता है वो पीछे भी आप अच्छी तरीके से जो है उसका जो है फ़ायदा आप उठा पाएँ। सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएंगे, अपने राइट लेग को मोड़ लेंगे इस तरीके से और लेफ्ट लेग को जो है राइट घुटने के जो बाहर इस तरीके से प्लेस कर देंगे, आराम से रख लेंगे। उसके बाद जो अपने राइट लेग को ऊपर करेंगे, सांस लेना है आपको, फिर सांस छोड़ते हुए जो है अपने घुटनों को इस तरीके से पकड़ना है और अपने एक हाथ को पीछे रख देना है और पीछे की तरफ देखना है। आराम से इसमें जो आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है, फिर वापस आ जाना है। इसी तरीके से इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, सांस लेंगे ऊपर की ओर हाथ उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे, और ऐसे रख लेंगे हाथ को, दोनों हाथ को पीछे। तीस सेकंड से लेके जो है 1 मिनट तक रहना है। इसी को दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। बाएं पांव को अब मोड़ना है, दाहिने पांव को जो है यहाँ पे रखना है आपको, दाहिने पांव को बाएं घुटनों के बाहर प्लेस करना है। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाना है, सांस लेना है, सांसों को छोड़ते हुए बाएं हाथ से बाएं घुटनों को पकड़ेंगे इस तरीके से और पीछे की ओर देखेंगे। इसी पोजीशन में आपको रहना है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, आराम से फिर वापस आ जाना है। एक और तरीके से मैंने बताया था कर सकते हैं, बाएं हाथ को भी ऊपर उठाएंगे ऐसे सांस लेते हुए, फिर जो है बाएं घुटनों से बाहर जो है कंधे को ले जाएंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे, इस हाथ को सांस छोड़ते हुए पीछे। इस तरीके से जो इसमें भी जो है आपको जो है 30 सेकंड से लेके जो है 1 मिनट तक रहना है, फिर जो है वापस आ जाना है इस आसन में भी। इसके बाद जो है आप शवासन ले लीजिए, शवासन ले लेंगे इसके बाद 5 से 10 मिनट का, और शवासन लेने के बाद जो है वापस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे आराम से। 10 मिनट का शवासन ले लीजिए सारा आसनों को करने के बाद, उसके बाद सीधी तरीके से बैठ जाएं, अपने कमर को सीधा रखें, नेक सीधा, इसके लिए दोनों हाथ को एक बार ऊपर उठा लें, ऊपर खींचते जाएं। इसी पोजीशन में रहेंगे, खींच के रखेंगे जिससे कि आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आ सके। अपने आँखों को बंद कर लेंगे अच्छी तरीके से, अपने अंगूठे को जो है अपने थंब के अंदर एक मुट्ठी बनाएंगे, सांस लेंगे बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे सांस उठाएंगे, इस तरीके से करना है आपको 10 बार। मैं 10 बार कर रहा हूँ, आप चाहे तो 10 बार से, मैंने 10 बार करके दिखाया, आप इसको 20 बार 30 बार जितनी आपकी कैपेसिटी है, पहले आराम आराम से धीरे से गति से करें, फिर जो इसको फिर तेज़ी से भी आप जो इसको बाद में कर सकते हैं। और इसके बाद आपको करना है कपाल भारति करना है, दोनों हाथों को जो अपने थाइस के घुटने के ऊपर रख लेंगे, क्रॉस लेग पोजिशन में बैठेंगे, कमर गर्दन जो है पूरी तरीके से सीधी रहेगी, हाथों को ऊपर, अब सांसों को बाहर छोड़ना, आंखें बंद, हाथ जो है ध्यान या चिन्ह मुद्रा में इस तरीके से रख लेंगे, सांस लेंगे, सांसों को बाहर की ओर जो है नाक से अपने नोज से थ्रो करना है, तीस बार, 40 बार, 50 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी बार करें, फिर आराम से 1 मिनट का मौन रखें,
सांसों को जो सामान्य होने दे, नॉर्मल होने दे, एंड व्हेन योर ब्रीथ बिकम नॉर्मल देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट राउंड एंड यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट राउंड, वापस आ जाएंगे। इसको जो है आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है, 50 बार भी कर सकते हैं आप एक बार में, फिर रुके एक मिनट के लिए, अपने सांसों को सामान्य होने दे, फिर दूसरे राउंड की तरफ बढ़े, ऐसा 3 राउंड आप कर सकते हैं। और अगर शुरुआत में करने में आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो अपने एक हाथ को पेट पे रख लें, एक हाथ को यहाँ पे रख लें चिन मुद्रा में, सांस लें और सांसों को ऐसे छोड़ें, सर सीधा रखेंगे, फिर से सांस लेंगे एक हाथ पेट पे, सांस, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप सांस जो है बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, अंदर की ओर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद आप कर लेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले नासिग्राम मुद्रा बना लेंगे ऐसे। अब अपने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से जो है अपने लेफ्ट नोस्टिल को बंद करना है, इस हाथ को जो है आपको चिन मुद्रा में रखना है। अब राइट नोस्टिल से 5 काउंट सांस लेना है, फिर थंब से राइट नोस्टिल को बंद करना है, फिर लेफ्ट नोस्टिल को खोल देना है 5 सांसों को बाहर। अब लेफ्ट नोस्टिल से ही 5 सांसें लेनी है, लेफ्ट नोस्टिल को बंद कर देना है, राइट नोस्टिल से जो है सांसों को जो है 5 सांसों को छोड़ देना है, फिर वापस आ जाना है। ये जो था एक चक्र करके दिखाया मैंने आपको, इसके 11 चक्र जो है आपको करना है, और हर एक 11 चक्र करने के बाद जो है आप फिर से आराम से एक मिनट का मौन ले लें, और मौन के बाद जो है फिर जो है अपने अगले जो है प्राणायाम की तरफ बढ़ें, भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे, एक जो है अपने इंडेक्स फिंगर को अपने फॉरहेड के ऊपर रखेंगे, अपने मिडिल फिंगर को आँखों पे, अपनी जो है रिंग फिंगर को नोज के बाहर, अपने लिटिल फिंगर को जो है लिप्स के ऊपर, अंगूठे को कान के अंदर रख लेंगे, और जो आपको मधुमक्खी की तरह आवाज़ निकाल ली है हम की आवाज़ निकाल ली, अंगूठा कान के अंदर, एक गहरी सांस लेंगे, हम की आवाज़ निकालेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे। इस तरह जो आपको 11 बार करना है, फिर वापस आ जाना है। एक सांस में जितना लंबा कर सकते हो उतना करिए। चिन मुद्रा में हाथ रखेंगे, एक मिनट का मौन रखेंगे, आराम से सांसों को लेते रहेंगे और सांसों को छोड़ते रहेंगे। आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगी पूरी तरीके से। सर को सीधा, कमर स्पाइन पूरी तरीके से सीधा रखेंगे। कोशिश करेंगे कि जब आप प्राणायाम कर रहे हो तब उसमें किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो आपके शरीर में, स्टिलनेस बनी रहे, और उस पोजीशन में जो करें तो इसका जो पूरा बेनिफिट है, पूरा जो लाभ है आपको पूरी अच्छी तरीके से जो मिल पाएगा। धीरे से आके खोलेंगे, वापस आ जाएंगे आप। इसको इस तरीके से करना है, और प्राणायाम में कोशिश करें बॉडी में स्टिलनेस जो है बनी रहे और आपकी स्पाइन टॉल एंड स्ट्रेट रहे, तो इसके जितने बेनिफिट्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से मिलेंगे। इसके बाद जो है अंत में आप जो है आराम से आएंगे, और उसके बाद लेट जाएंगे आप अच्छी तरीके से, दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे इस तरीके से, लूज छोड़ देंगे पाँव को पूरा, दोनों हाथों को बगल के मैट में रख लेंगे, सर को जो है पीछे रख लेंगे मैट पे, आंखों को बंद कर लेंगे अच्छी तरीके से, पूरे बॉडी को लूज छोड़ देंगे। अपना ध्यान जो है सांसों पे लेके आएंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जस्ट फोकस ऑन योर अटेंशन ऑन योर ब्रेथ, हाउ यू आर ब्रीदिंग। इफ योर माइंड wanders for things on people, on conversation, let it go, but bring it back on your breathing.
इसी पोजीशन में रहे 5 से 10 मिनट तक, और फिर जो धीरे से जो है लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट टर्न ले लीजिए आराम से, पहले जो है दोनों घुटनों को आराम से मोड़ लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर दोनों हाथों के ऊपर अपने चिन को इस तरीके से रख लेंगे, घुटने को मोड़ लेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे 5 से 10 सांसों तक, इसी पोजीशन में आराम से रहिए। डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट इसी पोजीशन में करेंगे लेफ्ट में ही। उसके बाद अपने राइट हैंड को जो है यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रखेंगे, फिर जो है धीरे से जो है सीधा जो है बैठ जाएंगे मैट के ऊपर। सीधी तरीके से बैठ जाना है आपको, और फिर कमर और स्पाइन को सीधा रखना है, दोनों हाथों को यहाँ रखना है, दोनों हाथों को रब करें, इसके बाद आपस में रब कर लें, तेजी से करें जिससे आपके हाथों के बीच में जो एनर्जी जो है वार्मथ ऊर्जा क्रिएट हो सके। ऐसा 30 सेकंड से 1 मिनट तक करें बहुत तेजी के साथ। फिर उसके बाद जो है पहले आंखों पर रखें, ऊर्जा को महसूस करें आंखों के ऊपर, फिर अपने चिन के ऊपर रखें, चिन के ऊपर महसूस करें, अपने नेक के ऊपर, अपने नेक के ऊपर, पीछे नेक के पीछे अच्छी तरीके से, और फिर जो है आंखों के ऊपर धीरे धीरे अपने आंखों को हथेलियों के बीच में खोलेंगे, हथेलियों को देखेंगे। आज के अभ्यास के लिए ईश्वर का धन्यवाद, अपने शरीर का भी जो है धन्यवाद अदा करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये जो था आज की पूरी प्रैक्टिस थी वो हेयर ग्रोथ के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर, कि अगर आपके भी बाल बहुत गिर रहे हैं तो आपको इन आसन और प्राणायामों को रोज जो है अपनी ज़िंदगी में जो है शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, खासकर जो आपके हेड रीजन है उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और जिससे कि आपके बालों का जो है गिरना इससे कम हो जाएगा, आपके बाल जो ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा जो है आपको अपने डाइट में भी चेंज करना पड़ेगा, कोशिश करें कि प्रोटीन रिच डाइट खाएं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट आप इसमें खा सकते हैं, नेचुरल जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसको लगातार खाएं, फ्रूट जूसेस पिएं, बाहर का नहीं, कोशिश करें कि घर का पिएं, क्योंकि घर की चीज़ें जो होती हैं नेचुरल होती है और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, तो इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये बदलाव लाएं आपकी ज़िंदगी में, कुछ दिनों तक करें और आप देखेंगे कि आपका जो है बालों का झड़ना जो काफ़ी कम हो गया है और आपको इसका फ़ायदा दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर जाते जाते आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि जो हेल्थ मैसेज है, जो जानकारी है, वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, दूसरे लोग भी इसे करें, दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी जानें और वो भी इसका जो है पूरा लाभ उठा सकें। नमस्कार।